हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बना के दिखाऊंगी गोभी चिली का रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं इसको बना के दिखाऊंगी, आप लोग इसको इजीली घर पे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया, उसमें एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाली। फिर मैं डाली हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लूँगी। बैटर मेरा रेडी हो गया। फिर इसमें एक एक करके गोभी में डाल दूँगी, अच्छे से गोभी को इसमें कोट करूँगी। एक कढ़ाई में मैंने गोभी को फ्राई करने के लिए पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो गया, फिर मैं एक एक करके गोभी इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। एकदम गोल्डन ब्राउन तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। धीरे धीरे मेरा कलर आना स्टार्ट हो गया। फिर इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। सेम कढ़ाई में मैंने चार पांच लहसुन लिया, उसको ऐसे छोटा छोटा काट लिया। फिर मैं इसमें डालूंगी एक ग्रीन चिली, आप लोग चाहे तो इसको नहीं भी डाल सकते हो। फिर इसमें मैंने डाला बड़ा बड़ा काट के प्याज। फिर डाली मैं कैप्सिकम, उसको भी मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया। फिर मैं ऐड किया हाफ टी स्पून सोया सॉस। उसके बाद मैं डालूंगी हाफ टी स्पून रेड चिली सॉस। फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर मैं डाली हाफ टी स्पून टोमेटो सॉस। फिर मैं गोभी, फ्राई किया हुआ गोभी मैं इसमें डाल दूंगी। फिर अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं डाल दूंगी। फिर इसका ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा। फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। फिर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसको ड्राई बनाया, आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। मेरा गोभी चिली का रेसिपी एकदम बन के तैयार हो गया, इसको मैंने सर्व कर दिया। आज का जो रेसिपी है वो रोटी नान परोठे के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा, आप लोग इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नया रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय।